चलो तो रीड करना स्टार्ट करूं. थर्ड क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कौन सा चैप्टर है ये? मशीन लर्निंग. बहुत अच्छा सम था ये. ठीक करो तुम लोग रीड. ठीक है. सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, द आर पैकेजेस फॉर कैलकुलेटिंग एंड प्लॉटिंग रिकर्सिव पार्टिशनिंग एंड रिग्रेशन चीज शुड बी लोडेड. तो ये हम लोग आर पार्ट एंड आर पार्ट डॉट प्लॉट हम लोग किए हैं क्या क्लास में, मशीन लर्निंग में किए हैं. एक सम था पैकेज का, तो आर पार्ट एंड आर पार्ट डॉट प्लॉट का पैकेज हम लोग किए हैं. तो इससे हम लोग का डिसीजन ट्री बनता है. ठीक है ना? तो इसको हम लोग रन कर लेंगे. अगर तुम लोग का ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है पैकेज तो वापस से इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. आई एम नॉट रन. लेट्स सी डू आई हैव दिस और नॉट. ठीक है. एरर नहीं आने का मतलब है कि ये दोनों मेरे पास है. आई एम नॉट रनिंग इंस्टॉलर पैकेजेस. तुम लोग के पास भी होना चाहिए. अगर नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो क्या बोल रहे हैं. अ न्यू स्टार्टअप बैंक इज कंसिडरिंग विच प्रोडक्ट इट शुड फर्स्ट लॉन्च टू द मार्केट. वन ऑफ द प्रोडक्ट इट इज कंसिडरिंग इज अ पर्सनल लोन एंड एक्चुअली एम्प्लॉयड बाय द बैंक वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल डिसीजन ट्री मशीन लर्निंग मॉडल टू डिटरमाइन विच लोन एप्लीकेशन टू अप्रूव. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है, एक बैंक का जब, आई थिंक मैंने एग्जाम्पल लिया होगा मशीन लर्निंग जब कर रहे थे, कि हम लोग जब बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, ठीक है, तो एक आपका होता है सिबिल स्कोर, अगर आप लोग को पता है तो. सो सिबिल स्कोर इज बेसिकली वो ये दिखाते हैं कि यू एज अ पर्सन आपका क्रेडिट वर्दनेस कितना है. तो जितना हाई आपका सिबिल स्कोर होगा उतना इजीली आपको लोन मिलेगा एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट. जितना कम आपका सिबिल स्कोर होगा उतना आपको डिफिकल्टी होगा टू गेट द लोन. अब दूसरा, ये जरूरी नहीं कि हर इंसान जो लोन लेने जाता है उसको लोन मिलता है. या तो पूरे अमाउंट का नहीं मिलता, या कम का मिलता है, या मिलता ही नहीं है. ठीक है. तो वो कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं? ऑब्वियसली एक ये तो सब्जेक्टिव चीज होना नहीं चाहिए कि भाई दिखने में कैसा दे दो. नहीं. सो यू हैव अ मॉडल मेड जहां ना इनपुट डालते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स ले लिया उसका, एज एंड ऑल, ऑक्यूपेशन, अर्निंग लेवल, डिपेंडेंट्स कितने हैं, ऑल दोस थिंग्स, प्रॉपर्टी कितना है. एंड देन एक आउटपुट चाहिए हमें 0-1 का. 0 मतलब ये आपका डिफॉल्ट नहीं करेगा तो उसको लोन दे देंगे. 1 यानी कि ये डिफॉल्ट करेगा तो उसको लोन अपने नहीं देंगे. ठीक है. तो ये यूजुअली एक मॉडल कंस्ट्रक्शन होता है. सो द एक्चुअली हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री टू क्लासिफाई ईच पोटेंशियल एज डिफॉल्ट अगर 1 है एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू डिफॉल्ट 0. ये एक आइडियली हमेशा ऐसा बेसिक मॉडल बनता है हर बैंक का. ठीक है. अ कैटेगोरिकल फीचर F1 टेक्स द वैल्यू -1 0+1. तो दो अपने फीचर्स हैं एंड एक कंटिन्यूअस फीचर है विच टेक्स द वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1. दो वेरिएबल्स आ गए या फिर फीचर्स, अपने मशीन लर्निंग में वेरिएबल्स को फीचर्स बोलते हैं. विथ नो प्रीवियस कस्टमर डेटा टू ड्रॉ ऑन द एक्चुअली डिसाइड्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेसिमन डेटा टू ट्रेन द डिसीजन ट्री. उसके पास कोई पास डेटा नहीं है तो पास डेटा वो खुद से बना रहा है. ठीक है. टू ट्रेन द डिसीजन ट्री मॉडल कंटेनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ एन हाइपोथेटिकल कस्टमर्स वेयर एन इज इक्वल टू 10,000. फीचर F1 दे दिया है कि ये तीन वैल्यू है विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3. फीचर F2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन -1 एंड 1. अ फील्ड कंटेनिंग द वैल्यू 1 इफ द कस्टमर डिफॉल्ट. तो तीन कॉलम्स बन रहे हैं. ठीक है. पहला कॉलम है आपका F1, F2 एंड फाइनल आउटपुट वाला कॉलम.
to determine whether a hypothetical customer will default, the actuary decides to model the probability of default as exponential of f divided by 1 plus exponential f. Jahan pe aapka f kya hai? It's again a function a plus bf1 plus cf1. Ye tino parameters ho gaye. So, before constructing, again, ab hame kya kya chahiye yahan pe? A, B, C bhi chahiye. Ye parameter estimate bhi hame karna hai. So, before constructing the specimen data, they actually first needs to generate 3 sets of 10,000 observations from uniform distribution 0,1. So, hum log kaun sa function se generate karenge? 0,1? Haan? R units se generate karenge. Generate a 10,000 into 3 matrix named U of observations from uniform. Each column contains 10,000 observations, but separately from the observations in another column, देखो क्या लिखा है that have generated together but separately from the observations in other columns you should set a random number 1 2 3 4 5 before generating the observation in the first column and use the r function head to display the first 6 rows. तो कैसे करेंगे बताओ? बोलो. बहुत ही बेसिक है. तुम लोगों को इसका मतलब है, ये वाला जो लाइन है इसका ये मतलब है कि तुम लोग को तीनों कॉलम अलग अलग, मतलब तीनों कॉलम इंडिपेंडेंटली जनरेट करना है. ऐसा नहीं कि पहला कॉलम जनरेट किए एंड सेकेंड कॉलम इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट कॉलम. नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब ये एक्चुअली पता है क्यों लिखते हैं, ये हम लोग कोडिंग में इसीलिए लिखते हैं जब हम लोग रैंडम नंबर जनरेशन करते हैं, कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहला सेट ऑफ यू जनरेट किए 0,1, फिर हम लोग वी जब जनरेट करते हैं तो वो समहाउ यू से हम लोग लेके जनरेट करते हैं. तो वो नहीं करना. इस लाइन का बेसिक अगर हम लोग, इन्होंने लिख दिया टू कंफ्यूज यू, बट दे वॉन्ट कि आपको तीनों कॉलम अलग अलग ही जनरेट करना है. एंड व्हेन दे से अलग अलग, इसका ये मतलब नहीं अपने साथ में मैट्रिक्स नहीं बना सकते. अपने तीन कॉलम बनाएंगे एंड इट शुड नॉट हैव एनी रिलेशन. तुम लोग तीन चीज कर सकते हो यहाँ पे. तुम लोग या तो तीन कॉलम अलग अलग जनरेट करो आर यूनिफ आर यूनिफ आर यूनिफ करके एंड देन तीनों को मैट्रिक्स बना दो, या तुम लोग स्ट्रेट अवे एक मैट्रिक्स बनाओ 30,000 वैल्यूज का एंड एन कॉल या एन कॉल हो जाएगा तुम्हारा 3, या फिर नंबर ऑफ रोज दे सकते हैं आर एन रो दे सकते हो 10,000 जैसे भी. तो दोनों मेथड से तुम लोग को, दोनों मेथड सही है. एनी विच वे यू यूज, दोनों मेथड सही है. आई विल ऑब्वियसली प्रेफर मैट्रिक्स वाला मेथड. एक लाइन में आपका खत्म हो जाएगा. देखो इसका क्या मतलब होता है ना कि सपोज मैंने बोला सीड वैल्यू 1 2 3 4 तुम लोग लिखो एंड उसके बाद तुम लोग क्या करोगे? अब तुम लोग पहला कॉलम जनरेट किया आर यूनिफ, फिर तुम लोग बोलोगे सेकेंड वाला जब कोड रन करेंगे तो उसके पहले भी सीड वैल्यू लिखना है क्या? नहीं. मैंने हमेशा लूप में क्या बोला, लूप के बाहर सीड वैल्यू डालते हैं या फंक्शन के बाहर सीड वैल्यू डालते हैं, वो एक सीड वैल्यू सबके लिए है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि फर्स्ट कॉलम के पहले. थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है व्हाट आई सी, बट अगर हम लोग एकदम बेसिक समझे जो हमने क्लास में किया, हमने कभी भी लूप के अंदर सीड नहीं डाला था. सेम थिंग यहाँ की, हर एक तीन कॉलम के पहले सीड नहीं रन करना, सीड एक ही बार रन करना है. दैट इज व्हाट दे मीन. करेक्ट, सेम है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सीड वैल्यू ले लो पहले 1 2 3 4 5 पे है क्या, यू में डालना है मैट्रिक्स आर यूनिफ 30,000. अब तुम लोग का विश, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, तीन अलग अलग कॉलम्स जनरेट करके उसको ऐड भी साथ में भी लिख सकते हो. इट्स योर विश. ठीक है, अब इसका इन्होंने बोला हेड चेक करने, तो इसका हेड चेक कर लेंगे. मैंने सीड नहीं रन किया क्या? आ रहे देखो. हाँ, तो हेड में 6 रोज ही आते हैं, 6 आते हैं. सेम आना चाहिए आंसर, चाहे कोई भी मेथड.
तुम लोग तीन रो अलग अलग करके भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। इसमें भी तो एक ही बार सी बनवा तेरा, कोई दिक्कत नहीं, तुम करके देख। तुम तीन बार आ रही हो ना, इसलिए लूप के बाहर लूप बना लो एक, तीन बार आ रही। आई गोस फ्रॉम 1 to 3। हाँ नहीं वैसे भी आएगा, हाँ सेम आएगा, सेम आएगा। नहीं 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 वो तुम्हारा जब तुम फ्रेश कोड वापस से लिखेगा। एक बार ट्राई करो, मेरे ख्याल से सेम आना चाहिए। एक बार ट्राई करो, सेम आएगा। सी बाइंड करने का बोल रहे हैं, बट सेम आएगा, मेरे ख्याल से सेम आना चाहिए। करो क्योंकि इट्स द सेम थिंग, इफ यू आर रनिंग अ लूप, ठीक है, लूप इज वन कोड ओनली, बट आई फील सेम आना चाहिए आंसर। एक बार ट्राई करो, और अगर नहीं भी आएगा, आई डोंट थिंक दे विल डिडक्ट द मार्क्स फॉर दिस। हाँ क्योंकि तरीका सेम है, तरीका सही है, कोई गलत नहीं है कि तुम पहले कॉलम वन कॉलम टू, बट कॉलम का कोई नाम नहीं दिया, तो तुम लोग क्या मन से नाम दोगे? कैसे नहीं दोगे नाम, कहाँ डालोगे? नहीं लूप नहीं बोल रहे, इन लोग अलग अलग बोल रहे हैं। यू वन यू टू यू थ्री ना, यू वन यू टू यू थ्री एंड देन सी बाइंड करो, करके देखो क्या होता है। फटाफट 2 मिनट लगेगा, करके देखो ना, करके देखो, इतना डिस्कस नहीं करो, करके देखो। सेम आएगा, बट अगर नहीं भी आता इट्स फाइन, बट अगर तुम लोग थोड़े स्मार्ट हो तो तुम लोग वो चीज नहीं करोगे, इट विल टेक डबल द टाइम, नो पॉइंट। हाँ लूप भी सही है, फॉर आई गोज फ्रॉम 1 to 3 एंड तीन बार तुम रन किया, तीनों कॉलम अपेंड कर दिया, बट उसके लिए तुमको एक मैट्रिक्स बनाना होगा 0 0 का, सेम आंसर आएगा उससे भी। Those who are not trying can move to the second part. Same है ना, same ही आएगा। क्योंकि once you run the seed value, that seed value is taken for, the same seed value is taken for all the future codes. But अगर question में there is another seed value that they are asking you to run, तब तो obviously you'll have to run ना? चलो next question. अब ये थोड़ा tricky parts आ रहे हैं. Let uij represent the ij entry in matrix. The actually proceeds with creating the specimen data set by constructing an n component vector f1 whose ith component, so basically an n component vector bana rahe, f1 is the vector ka name, where whose ith component is equal to -1 if ui1 ka kya matlab hai, first row i matlab ith row first column, ith row में आपके कितने कॉलम्स, 3 है, तो मतलब इसमें क्या बोल रहा है, ith row फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम हुआ, अगर तुम्हारा i goes from 1 से 10,000 होगा, क्लियर है ये चीज सबको, ये वाला 1 का मतलब कॉलम, ठीक है ना, अगर ये आपका 1/3 से कम है तो हमें चाहिए -1। याद करो ये सेम जो हमने मार्कोव में मॉडलिंग किया था लास्ट में, उसमें नहीं किया था हमने यूवी जनरेट किया था, फिर इफ यू वन इज लेस देन दिस तो वो स्टेट एच में जाएगा, नहीं तो स्टेट एस में जाएगा, नहीं तो स्टेट डी में जाएगा, इट्स सेम राइट। एंड ये क्यों कर रहे हैं, 1/3 क्यों ले रहे हैं, कैन एनीवन टेल मी? करेक्ट, f1 के बारे में क्या लिखा हुआ था, कि इट कैन टेक वैल्यूज -1, 0, +1 with equal probability. 1/3, 1/3, 1/3. तो अपने क्या बोल रहे हैं, 1/3 से लेस होगा तो -1. 1/3 एंड 2/3 भी होगा तो 0. 2/3 एंड 1 के बीच में होगा तो +1. अब अगर तुम लोग को ये हिंट नहीं भी दिया होता, तुम लोग ये खुद से कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया
एंड एफ टू भी सेम तरीके से बनाना है, हुज आईथ कंपोनेंट इज इक्वल टू टू इंटू यू आई टू, मतलब वो सेकेंड कॉलम पूरा माइनस 0.5। ये क्यों बोल रहा है? ये वाला पार्ट क्यों बोल रहा है? इक्वल टू दिस यूनिफॉर्म कहाँ से कहाँ? यूनिफॉर्म माइनस वन से वन, तो यूनिफॉर्म माइनस वन से वन का क्या होता है? सीडीएफ और पीडीएफ दोनों बताओ। पीडीएफ क्या होता है? यूनिफॉर्म वन बाय बी माइनस ए, विच इज यहाँ पे वन बाय टू, वन बाय टू बी माइनस ए बोला है ना, तो वन वन बाई टू हो गया आपका पीडीएफ, और सीडीएफ एक्स माइनस ए बाय, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाय टू। अब यहाँ पे क्या लॉजिक से इन लोग ये बोल रहा है, ऑल्दो हम लोग को जरूरत नहीं है उतना सोचने का, बट स्टिल क्या लॉजिक से यूज कर रहे हैं इन लोग ये? इन लोग पता है उसको यूनिफॉर्म 0.1 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? अगर यहाँ पे तुम लोग माइनस वन से वन डालो, माइनस वन डालो पहले इधर, माइनस वन माइनस 0.5 कितना होता है? माइनस 1.5 इंटू टू इज हाँ माइनस 3, ठीक है, और यहाँ वन डालेंगे तो 0.5 इंटू टू इज 3 से 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं लोग बेसिकली। वो जो पूरा मतलब निकलेगा ना, अब ये जब तुम लोग इसको लिख दोगे तो F2 बेसिकली जो होगा विल फॉलो यूनिफॉर्म 1.3 माइनस 3.1, ठीक है। एन n कंपोनेंट वेक्टर F हुज ith कंपोनेंट इज द वैल्यू ऑफ F गिवन बाय द फॉर्मूला अबव फॉर कस्टमर I, तो ये वाला जो फॉर्मूला है। अब ए बी सी के लिए देखो क्या बोल रहा है, एन कंपोनेंट वेक्टर डी डेफ प्रोब डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी हुज आईथ कंपोनेंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट गिवन बाय द फॉर्मूला अबव फॉर द आईथ कस्टमर, डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी देखो ये दिया हुआ है, मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ। एन कंपोनेंट वेक्टर डिफॉल्ट हुज आईथ component is equal to 1 if ui3, मतलब जो थर्ड कॉलम था, is less than or equal to the probability from the vector def prob। मतलब def prob क्या है? probability of default expf by वो करके 10,000 आ गया values, क्योंकि f में 10,000 values आएगा, तो इसमें 10,000 इसमें भी 10,000, ध्यान से सुनना, I will not repeat again। तो def prob में 10,000 values आ गया, वो 10,000 probabilities of default है। अब बोल रहे हैं हम लोग हर एक कस्टमर के लिए देख रहे हैं, अगर हम लोग का यू आई थ्री उससे कम है तो हम लोग उसको बोल रहे हैं इज इक्वल टू और लेस देन द प्रोबेबिलिटी इन दिस डेफ प्रॉप, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो, सॉरी फॉर कस्टमर आई उसको वन बोलेंगे, मतलब वो डिफॉल्ट करेगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला एजेंट का डिफॉल्ट करने का प्रोबेबिलिटी डेफ प्रॉप में आया 40% और यू आई थ्री में 30% दिया, तो 40% के अंदर हुआ ना, तो 40% के अंदर होने का मतलब 1 और 40% के ऊपर होना मतलब 0, डिफॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है। अ डेटा फ्रेम इन द फॉर्मेट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट डिसीजन ट्रीज यूजिंग आर पैकेज आर पार्ट इनकॉर्पोरेटिंग द वेक्टर्स F1 F2 डिफॉल्ट, ये पूरा स्टेप्स दिया हुआ है। द आर कोड टू जनरेट टू क्रिएट द डेटा फ्रेम इन द फॉर्मेट रिक्वायर्ड, ये हम लोग को दिया हुआ है F1 F2 डिफॉल्ट, तीन हम लोग को कॉलम चाहिए, F1 का कॉलम, F2 दो फीचर्स जो थे, एंड डिफॉल्ट का कॉलम विच इज दिस कॉलम जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जेनरेट अ डेटा फ्रेम नेम्ड स्पेसिमन इन लाइन विद एक्चुअली कंस्ट्रक्शन रूल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पैरामीटर वैल्यूज n, हम लोग को 10,000 ए बी सी का वैल्यू दे दिया, आर फंक्शन हेड यूज करके डिस्प्ले करना है फर्स्ट 6 रोज ऑफ स्पेसिमेन, खुद से ट्राई करो। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, F1, F2, F निकालना करो।
एक ही लूप में या फिर एक ही साथ में निकाल लो सारे. F1 डायरेक्टली निकालते हैं. F1 तुम लोग को अगर लूप बनाना है, आई गोज फ्रॉम 1 to 10,000, F1 F2 अलग अलग, वो कर सकते हो. मेरे को बेटर लग रहा है विदाउट लूप. F1 कैसे निकलेगा? क्या इफ? हाँ करो, इफ एल्स डालो. करो करो करो. इन्होंने कुछ और यूज किया, बट हम लोग इफ एल्स यूज करेंगे. इफ एल्स कैसे लेंगे? यू का ऑलवेज फर्स्ट कॉलम इक्वल्स टू बोला है क्या? 1/3. थ्री क्या हो जाएगा? इन फिर से इफ एल्स आएगा. इफ यू इंडेक्सिंग 1 इज, यहां थोड़ी इफ एल्स आएगा. लेस देन में तो तुम इसको -1 था क्या? क्या साइन कर रहे थे? -1. और इधर इफ एल्स आएगा कि ग्रेटर देन है. तो फिर 0 नहीं तो 1 देख लो. नेस्टेड इफ. ठीक है, इन्होंने जो मेथड किया वो मैं समझा देती हूँ, बट आई फील व्हाट वी हैव डन इज फाइन. देखो एक बार, देखो इन्होंने क्या किया. इन्होंने बोला है अगर वो 1/3 से कम है, इनटू -1 कर दिया, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू हो जाता है. ट्रू का वैल्यू 1 होता है, फॉल्स का वैल्यू 0. तो 1 into -1, और ये आपका फॉल्स है, तो फॉल्स 0. तो 0 into 1 है 0. तो ये पूरा क्या हो गया? -1 असाइन हो गया. फिर वापस उल्टा करो, मतलब अगर ये ट्रू है कि ग्रेटर देन 2/3 है, तो ये 1 ये 0, तो +1. अगर दोनों गलत है कि 1/3 से भी कम नहीं हो तो, बट आई डोंट थिंक इतना दिमाग लगा पाएंगे एग्जाम में. लगा रहे हो तो वेरी गुड. F1, लेट्स चेक फॉर द फर्स्ट फ्यू वैल्यूज ऑफ F1. ये क्या 1/3 से कम है? 1/3 से, ये 2/3 से भी ज्यादा है. 2/3 कितना होता है? 0.66 से ज्यादा है, 66 से ज्यादा है, 66 से ज्यादा है. तो पहला पूरा चार वैल्यू शुड बी 1. फिर ये आपका बीच में है और ये आपका -1 है. सही है, साइन वाइन. F2 निकालो सिमिलरली. F2 तो बहुत ही सिंपल है. F2 बोल दिया 2 into u, क्या करना है? ऑल रो सेकेंड कॉलम -0.5 F. ठीक है, इसको वापस रन कर देंगे.
ठीक है, F2 आ गया। अब F2 के बाद F निकालना है, तो A B C एक बार डाल देते हैं। A क्या था? जीरो। B जीरो है। B into ये हो गया। हाँ, अब क्या बोला है नेक्स्ट करने? इसके बाद देखो F1 F2 आ गया। हम लोग को डिफॉल्ट चाहिए। डिफॉल्ट के लिए हम लोग को डेफ प्रॉब चाहिए, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट गिवन बाय द फॉर्मूला। तो ये वाला F निकल चुका है, बस अब एक्सपोनेंशियल करके डेफ प्रॉब निकालो। प्लस है कि माइनस? ये भी आ गया। अब डिफॉल्ट निकालना है। अगेन यू कैन यूज एन इफ फंक्शन कि अगर u13 इज लेस देन और इक्वल टू डेफ प्रॉब। थैंक यू कि अगर u13 इज लेस देन इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम डेफ प्रॉब तो वो 1 होगा, नहीं तो फिर 0 करो। कैसे करेंगे? इफ u का ऑल रोज थर्ड कॉलम इज लेस देन इक्वल टू क्या? डेफ प्रॉब तो 1, नहीं तो 0। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बट एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, जब आप लोग ये सेम चीज रीड करते हो तो उतना सोच नहीं पाते हो, अनलेस यू हैव अ वेरी स्टेबल माइंड एंड अ काम माइंड इन एग्जाम, जो कि बहुत कम है, बट यू कैन डू इट इफ यू गिव मॉक्स। एटलीस्ट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस I used to get very nervous in exams, ठीक है? But मैंने realize किया कि अगर आप लोग mocks दोगे बैठ के थोड़ा उसी pressure में, तो फिर वो उतना आपको नहीं feel होता है, फिर वो habit हो जाता है। तो it's not only about कि आपने 6 महीना कितना पढ़ा है, उस दिन आपका क्या mindset है उस पर काफी depend करता है। This is what I honestly believe। जैसे CAT exam होता है ना, अपने पूरे साल कितना भी पढ़ लेंगे उस दिन क्या प्रेशर है, बट यही सेम चीज अपने सब प्रोफेशनल एग्जाम में। तुम पूरा 6 महीना तुम लोग मेहनत किया, तुम लोग पूरा पूरा दिन क्लास किया, तुम लोग खुद से पढ़ा, तुम लोग घर पे इतना पढ़ा, तुम लोग जो मतलब किया है, एवरी डे यू हैव कम टू क्लास, यू हैव पुट इन दैट एफर्ट, तो एक दिन के लिए वो वेस्ट मत जाने दो। समझ रहे हो? वो एक दिन को हम लोग, अब देखो कुछ एकदम अनवांटेड होता है वो अलग चीज है, वो हम लोग के बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, बट तुम लोग अगर एवरी डे मॉक दोगे तो तुम लोग एकदम काम माइंड से दोगे ना एग्जाम, कितना अच्छा होगा। एकदम रिलैक्स माइंड रखने, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं था ये वाला क्वेश्चन जितना सबने बोला था उस समय। क्लियर सबको? आंसर आ रहे हैं। अब हम लोग को क्या बनाना है? लास्ट यू इंडेक्सिंग होगा ये वाला ब्रैकेट। अब हम लोग को लास्टली करना है स्पेसिमन, ठीक है? स्पेसिमन ये तो पूरा यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड टेक अ हेड।
check the values. थर्ड पार्ट खुद से करूं, एक बार रीड करो और खुद से करूं, बहुत इजी है थर्ड पार्ट। बेसिकली कोई इनको बता सकता है कि इस सेकंड पार्ट में किया क्या इन्होंने, इन्होंने क्या बोला था कि हमें एक मॉडल बनाना है बट हमारे पास डेटा नहीं है। तो इन्होंने एफ पहले यू पूरा जनरेट किया, उस यू से इन्होंने F1 F2 निकाला है खुद से, आउटपुट भी निकाला है खुद से। मॉडल वाला पार्ट तो खाली यही था, है ना? बाकी तो ये हमने पूरा डेटा बनाने के लिए किया क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं था, समझ रहे हो? तुम लोग अगर कोई ये चीज फील किया है, तुम लोग अगर कोई एक्चुअली शार्क टैंक, आई डोंट फॉलो अलॉट बट अगर कोई फॉलो करता है तो उसने भी रिसेंटली कोई एक आया था, मैंने देखा था, उसने फोन में कैसे कोई हैक कर लेता है ना, तो उसके लिए कुछ उसने डिवाइस या कोई ऐप निकाला है। तो शी वाज मेंशनिंग कि 92% 95% कुछ उसने बोला एक्यूरेसी है। देख तो कोई भी जो इनिशियल स्टेजेस में आता है, कोई भी चीज आता है, वो एक ही चीज बोलते हैं, इतना परसेंट एक्यूरेसी है, इतना पर, उसका क्या मीनिंग है भाई? इनिशियल जब तुम कुछ डाल रहे हैं, तुम्हारे पास तो डेटा ही नहीं है, तो तुम डेटा खुद से बनाते हो, तुम स्पैम्स खुद से करते हो उसमें, फिर तुम चेक करते हो उसका एक्यूरेसी, फिर क्योंकि तुम एकदम से जाके किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते है। कोविड वैक्सीन जब बनाओगे एकदम से ही नहीं दे सकते किसी को जाके, पहले उसका खुद से टेस्ट होता है, ठीक है? फिर उसके बाद तुम 100 लोगों पे अप्लाई करते हो, 1,000 पे करते हो, 2,000 पे करते हो, वो स्टेप्स होते हैं मॉडलिंग में, ठीक है? तो ये पूरे स्टेप्स हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? कलो कौन सा बोल, ये वाला? देख इसमें क्या किया, यू इसमें ये तुम्हारा डेटा था, यूनिफॉर्म जीरो, ये तो दिया हुआ है। देख F2 के लिए क्या लिखा हुआ है, F2 इन लोग एक डेटा बनाया विच इज बिटवीन -3 एंड 1, दैट्स इट। बट मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने क्या बोला, -1 से 1 होना चाहिए ना, तो ये -1 से 1 आना चाहिए। कैसे बोल तुम ओ, हम लोग गलत कैलकुलेशन किया उस समय, हम लोग उस समय, हाँ उस समय हम लोग गलत, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उस समय मैंने उल्टा कैलकुलेट, भाई मैंने सोचा कि उस समय भी क्या हुआ, ये जो है ये तो तुम्हारा 0.1 है, -1 1 डाले तो ऑब्वियसली अपना -3 और 1 आया, वही कंफ्यूजन हो गया मेरे को उस समय। तो 0.1 है ना इसमें, तो 0 डालो तो क्या होगा, -1। अब तुम लोग बोलेगा कि हम लोग डायरेक्टली आर यूनिट -1 से 1 क्यों नहीं किए, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया तुम लोग के दिमाग में? हाँ नहीं क्यों, बट कर सकते थे सीड वैल्यू लेके, बट आइडियली जब हम लोग मॉडलिंग करते हैं, तुम लोग अगर एक्सेल में जब करोगे, आई थिंक CM2 में उतना नहीं है, एक जगह ही होगा मे बी, उसमें दो फंक्शन होते हैं एक्सेल में, एक होता है रैंड फंक्शन, एक होता है रैंड बिटवीन। रैंड फंक्शन जनरेट्स रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 1, एंड रैंड बिटवीन जनरेट्स बिटवीन एनी टू नंबर्स यू वॉन्ट। रैंड बिटवीन है फंक्शन बट स्टिल वी यूज रैंड फंक्शन, 0 1 जनरेट करते हैं फिर उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज हमेशा सिमुलेशन में यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद 0.1, दैट शुड बी द बेस, क्योंकि वो सबका सेम आएगा, इफ यू विल जनरेट आई विल जनरेट, सेम आएगा विद द सीड वैल्यू, एंड वो एक तुम लोग समझो थम रूल बन गया है कि कभी भी मॉडलिंग होगा तो अपने 0 1 करेंगे फिर अपने उसके ऊपर जाएंगे। तो इसीलिए डायरेक्टली -1 1 नहीं निकाला आर यूनिट फंक्शन यूज करके, इन्होंने पहले 0.1 निकाला फिर -1 से 1 निकाला, ये एक थंब रूल है जो अपने सब जगह फॉलो करते हैं।
डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर डिफॉल्ट बेस्ड ऑन द स्पेसिमेन. तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट जितने भी वंस हैं डिवाइडेड बाय 10,000 करो. कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ, ओ एक्सपेक्टेड प्रोबेब, आप जैसे बोल रहे वैसे भी कर सकते हो डिवाइड बाय वैसे करके. टेस्ट लॉग में क्या था, अच्छा हाँ प्रोबेबिलिटी का डिफॉल्ट बोला, नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स, ठीक है. डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर डिफॉल्ट बेस्ड ऑन द स्पेसिमेन डेटा. तो मीन ऑफ डेफ ड्रॉप, क्योंकि डेफ ड्रॉप में अपना डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है. तो 49.9% प्रोबेबिलिटी है दैट द कस्टमर विल डिफॉल्ट. नेक्स्ट तुम लोग लिख देना ऐसे करके, द एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज हाउ मच. कमेंट हाउ रियलिस्टिक योर आंसर इन पार्ट थ्री इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट द बैंक मे एक्सपेक्ट इन प्रैक्टिस, सजेस्टिंग हाउ द पैरामीटर ए could be changed to make it more realistic. क्या बैंक एक्सपेक्ट करेगा कि 50% कोई डिफॉल्ट करेगा, तो लोन किसको देगा, तो आपको कैसे इसको एडजस्ट करना है बताओ, सोचो थोड़ा पॉइंट्स. कैसे कम कर सकते हैं तो उन लोग कैसे लिखेगा, कितने मार्क्स का ये. तो सबसे पहले क्या लिखेगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है कि 50% पीपल विल डिफॉल्ट इज अनरियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ द बैंक, क्योंकि वो फिर सोचेगा कि भाई मेरे आधे कस्टमर्स ये डिफॉल्ट कर रहे हैं. तो हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी. हाउ कैन यू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इफ यू रिड्यूस दिस न्यूमरेटर. हाउ कैन यू रिड्यूस दिस न्यूमरेटर, e to the power पॉजिटिव वैल्यूज है सारे, आपका d भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, f1 पॉजिटिव है, f2 पॉजिटिव है, a आपका जीरो है. तो अपने को इसको पॉजिटिव को लेस पॉजिटिव करना है. वेरी गुड, a को जीरो से नेगेटिव करेंगे तब ये पूरा f कम होगा और तब जाके ये पूरा प्रोबेबिलिटी विल रिड्यूस. क्यों, हाँ तो बोला है इसीलिए अपने वो बोल रहे हैं. बीसी को क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं अनलेस इट्स स्पेसिफाइड. तो तुम लोग कैसे कैसे लिखोगे कि इट्स अनरियलिस्टिक बिकॉज 50% बोल रहे हैं, विच इज अगेन ऑब्वियसली 50% पीपल विल नॉट डिफॉल्ट इन रियल बैंक सिनेरियो. सो वी नीड टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी, इट शुड बी मच लेस देन 50% एंड दैट वी कैन डू बाय रिड्यूसिंग द डेफ प्रॉब. फॉर दैट वी नीड टू रिड्यूस एफ एंड फॉर दैट वी हैव टू टेक अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए बिकॉज ए एनीवेज अभी पॉजिटिव है. ये पूरा तुम लोग पूरा चार लाइन एक बार रीड कर लो, ऐसे लिखना. मीन का 10,000 वैल्यूज है
तुम उसका मीन निकालेगा तो तुमको एक मिल जाएगा ना एक्सपेक्टेड की। हाँ, क्योंकि वो 1010 था, वो तुम्हारा अलग है। हाँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है डिफॉल्ट का। बट वो तुम ये ले, डेफ प्रॉप में क्या है, डेफ प्रॉप में, अरे एक सेकेंड, डेफ प्रॉप में ईच कस्टमर 10,000 कस्टमर का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है। अब अपने ये तुम लोग वो ये तुम लोग को ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये तुम लोग को देख के ये नहीं लगा कि ये तुम लोग लॉजिस्टिक, तुम लोग पढ़े हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मतलब थोड़ा बेसिक तो किए थे ना CS1 में। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, P/1+P log y। GLM किए थे, उसमें टाइप लॉजिस्टिक लॉजिट किए थे, टाइप लॉजिट GLM में टाइप लॉजिट किया है ना, टाइप लॉजिट इज लॉजिस्टिक। टाइप लॉजिट जब करते हैं तो log y इक्वल्स P/1+P होता है। ये तुम लोग क्या, आई थिंक CS1 में स्पेसिमेन में था या कहीं ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन था, log y इक्वल्स P/1+P, y इज द आउटपुट दैट यू नीड, दैट शुड बी नाउ, क्योंकि इट्स लॉजिस्टिक, मतलब या तो आउटपुट 0112 ऐसा होगा दो। अब आपका आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, उसको आप 0-1 में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो log y इक्वल्स P/1+P, P आपका आ चुका है ऊपर, ठीक है, वो उसमें वैल्यूज डालोगे तो आपका y आ गया, एक्सपोनेंशियल इधर चला गया, तो आपका y, एक आपका 0-1 के बीच में एक नंबर आता है बेसिकली। अब वो 0-1 के बीच में नंबर आता है, फिर तुम लोग को ROC पढ़ाया था ना मैंने मशीन लर्निंग में, उसमें मैंने क्या बोला था, एक थ्रेशोल्ड लिमिट लेते हैं कि इससे अगर वैल्यूज कम है तो वो 1, इससे अगर वैल्यू ज्यादा है तो वो 0, जो भी। ये था तुम्हारा क्या, रिग्रेशन का डिसीजन ट्री को, अगर रिग्रेशन का डिसीजन ट्री बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, जहां वैल्यूज तुम्हारे आ रहे हैं 0-1 के बीच में, बट आउटपुट तुम्हें 1 एंड 0 चाहिए, तो तुमको प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट का डिफॉल्ट निकालने बोला है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी का मीन निकालने बोला है। तो वो पी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट तो तुम्हारा यही है, वो जो तुम्हारा 1010 होते, तुम आउटकम निकाल रहे फाइनल, बट डेफ प्रॉब में तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालना है, वो जो वो निकाल रहे हैं ना 1010 वाला पार्ट, वो तो तुम पहले उसको सेग्रीगेट कर रहे हो। अब उसमें तुम क्या कर रहे मालूम है, जितना भी वैल्यू तुम्हारा लेट्स से सपोज देखो, जितना भी वैल्यूज यहाँ ये है, मतलब तुम इसको बोलेगा 0 0 0 0, नहीं, ये तो अपने उससे कंपेयर करेंगे यू वाले से, तो इसमें अपने जो प्रोबेबिलिटीज आ रहे हैं, ये तुम्हारा वो पी है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ईच कस्टमर। अब इसको 1 0 में कैसे क्लासिफाई करें, इसीलिए एक रैंडम नंबर जनरेट किए यू। अब वो अगर रैंडम नंबर इससे कम है तो मतलब वो डिफॉल्ट कर रहा है। ये हर एक कस्टमर का, 10,000 कस्टमर्स हैं, ये हर कस्टमर का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, आउटपुट चाहिए 1 0, तो तुम यू जो तुम खुद से निकाला है, तुम देख रहे हैं कि इससे अगर कम है तो उसको तुम बोल गए ये डिफॉल्ट करेगा, इससे ऊपर है तो वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो जब तुम लेंथ फंक्शन से कर रहे हैं तो तुम वो तो यू भी कंसिडर कर रहे हैं ना, तुमको यू कंसिडर नहीं करना है, तुमको इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ईच कस्टमर निकालना है जो इसमें है। तुम यू तो अपने आप निकाला, ये डेटा का पार्ट है, दिस इज अ डेटा पार्ट विच इज गिवन टू यू, जो हमने यहाँ पे बनाया है बिकॉज वी हैड नो डेटा, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेटा इनपुट जो बैंक के पास होता है। मैंने 10,000 लोन दिया, इस बंदे का डिफॉल्ट था ये, इस बंदे का डिफॉल्ट था ये, इस बंदे का डिफॉल्ट था ये, ऐसे करके सारे का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी आ गया मेरे पास। अब हम लोग जब मशीन लर्निंग में मॉडल बना रहे हैं तो कैसे करेंगे, यू टेक अ रैंडम नंबर 0,1, अगर इससे कम है तो आप बोल रहे हो हाँ भाई ये डिफॉल्ट कर रहा है, इससे ऊपर है तो ये डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस इंसान का डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी है। अब तुम अगर लेंथ फंक्शन से कर भी लेगा, फॉर एग्जाम्पल तुम अगर बोल रहे हैं लेंथ ऑफ स्पेसिमन
क्या होगा बोलो, थर्ड रो ना शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10,000, ये बोल रहे तुम तो ये हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट सॉरी वन कैसे आ गए ये तो सही है, मैंने क्या गलत किया इधर? अच्छा हाँ इधर आ रहे डेफ प्रभा उसमें लिखा हुआ था डेथ प्रॉप हम लोग निकालेंगे, फिर डेथ प्रॉप को हम लोग कंपेयर कर ले, फिर हम लोग वन एंड जीरो, तो जब कंपेयर करके वन एंड जीरो दे रहे हैं तो वन एंड जीरो को लेके हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? वही तो, वही चीज। अब तुम समझो, तुम यूनिफॉर्म एक दूसरा चीज 0-1 लेके तुम उसको कंपेयर, बट इंडिविजुअली हर कस्टमर का डिफॉल्ट तो ये है। बट वो जो हम, अब सुनो एक सेकेंड, आरओसी में क्या था? आरओसी में मैंने बोला एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लेते हैं, सपोज 0.5 इज अ थ्रेशोल्ड। इफ 0.5 इज, मतलब ये तुम्हारा 0.5 से ज्यादा है तो ये क्लासिफाई, बट यहाँ कुछ वैसा नहीं है। यहाँ जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड है वो ये है इंडिविजुअली हर कस्टमर का, और यूनिफॉर्म में तुम डेटा लिया है तो वो जो यूनिफॉर्म में वैल्यू आ रहा है, लेट्स सपोज तुमको हम ये भी दिखा देते हैं, हेड ऑफ यू ऑल थर्ड कॉलम, ठीक है। अब तुम किसको किसको कंपेयर किया? तुम इन दोनों को कंपेयर किया, तुम इन दोनों को कंपेयर किया। इफ दिस वैल्यू, मतलब इफ दिस वैल्यू थर्ड रो थर्ड कॉलम सॉरी इज लेस देन दिस, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 1, नहीं तो 0। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, वैसे करके। हाँ तो तुम ये नहीं कर सकता, ये अलग चीज हो गया, ये आफ्टर मॉडलिंग हो गया। दे वांट बिफोर मॉडलिंग की व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कस्टमर व्हिच इज दिस डेफ प्रॉब। रीड करो डेफ प्रॉब में क्या लिखा है, ईच कस्टमर का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। हाँ करेक्ट, बट ये डाउट तुम्हारा सही है, गलत नहीं है ये डाउट, बहुत कॉमन डाउट है ये। नेक्स्ट, एक्चुअली इन लोग क्या करते हैं, इन लोग थोड़ा हाई थोड़ा मॉडलिंग पार्ट में चले जाते हैं, और वो तुम लोग के सिलेबस में इन लोग पूरा बताते नहीं है, वो बताए उनकी भी कैसे इतना सारा चीज है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, तो ये हो गया ए को नेगेटिव लेना है। द आर कोड फॉर फिटिंग एंड प्लॉटिंग अ डिसीजन ट्री इज टी दैट प्रिडिक्ट्स वेदर अ कस्टमर विल डिफॉल्ट और नॉट। अब हम लोग के पास पूरा डेटा है, वी हैव F1, वी हैव F2 एंड वी हैव डिफॉल्ट। इस डेटा से अब डिसीजन ट्री बनाने, तो बोला डिफॉल्ट डॉट, मतलब F1 F2 दोनों मेथड क्लास, क्लास टू क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये। फिर आर ये से प्लॉट हो जाता है ट्री, करो इसको रन। देखो तो तुम लोग का क्या आ रहा है, अगर आर यहाँ पे अपने, मेरे को तुम लोग को एक चीज सिखाना है, नॉट नेसेसरीली इन सिलेबस बट एक बार समझ लो ये इंडिविजुअली। अगर तुम लोग एक बार देखो प्लीज, डिजिट्स 3, डिजिट्स का क्या मतलब होता है? हाँ डिजिट्स का क्या मतलब होता है देखो, व्हेन डिजिट्स इज पॉजिटिव द फॉलोइंग अप्लाई, मतलब नंबर्स ये आर प्रिंटेड विदाउट एन एक्सपोनेंट। तो ये अगेन तुम्हारा मॉडलिंग का पार्ट है, ये हम लोग के सिलेबस में डिजिट्स नहीं है। टाइप अगर मैं बोलू, टाइप इज सब नहीं है हम लोग के सिलेबस में, बट तुम लोग को अगर थोड़ा जानना है तो हम लोग यहाँ से देख सकते हो। देखो टाइप में 5, तो ये अलग टाइप ऑफ
अलग अलग ड्रॉइंग्स बनेगा, टाइप अलग अलग डालोगे अलग अलग टाइप का ट्राइग्राम बनेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इज आई थिंक नंबर ऑफ रेपिटेशंस, एक्स्ट्रा देखो प्लस 100 इज एड 100 टू एनी अबव टू डिस्प्ले द परसेंटेज, तो ये उतने डिटेल्स में है नहीं सिलेबस में, इसीलिए इन्होंने स्ट्रेट अवे दे दिए, बट ये वाला पार्ट है आर पार्ट, ठीक है देख लो ये बन रहा है सबका। तो F1 अगर तीन वैल्यू था F1 का, -1, 0, अगर -1 है तो इधर स्ट्रेट अवे इधर आ जाएंगे, इसका मतलब 0, मतलब इंसान डिफॉल्ट 0 इज नॉट डिफॉल्ट, 0 इज नॉट डिफॉल्ट, देखो अच्छे से 0 इज नॉट डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद 0 या 1 है, फिर F2 चेक किया, F2 इज वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1, तो इससे कम है, वापस F1 चेक किया, तो ये पूरा डिसीजन ट्री है जो बेसिक समझ में आ रहा है देख के। अब इसको रीड करो, प्लॉट द डिसीजन ट्री ऑब्जेक्ट कॉल्ड ट्री यूजिंग आर कोड अबव, 1 मार्क मिल गया हम लोग को टू रन दिस इक्वेशन। इसको पेस्ट करना है आपको इन योर वर्ड फाइल, मेक श्योर कि ये ऐसा नहीं कि इसमें दिया हुआ है तो प्लॉट पेस्ट नहीं करना, 1 मार्क इज फॉर पेस्टिंग। स्टेट यूजिंग द डिसीजन ट्री प्लॉट वेदर अ कस्टमर विथ फीचर्स F10 एंड F2 दिस इज एक्सपेक्टेड टू डिफॉल्ट और नॉट। F10 मतलब इधर आ गए, F2 इज -0.425 विच इज लेस देन दिस, तो इधर आ गए वापस, F1 इज 0 तो इधर आ गए, तो ये डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, इज एक्सपेक्टेड टू नॉट डिफॉल्ट, ठीक है। प्रेडिक्ट करके कर सकते हैं, बट फिर तुमको डेटा फ्रेम एंड और बनाना होगा, पहले पहले डेटा फ्रेम बनाएगा F1 F2 डाल के, फिर प्रेडिक्ट करके करेगा, कर सकते हैं, बट इसमें खाली इन्होंने बोला है स्टेट, स्मार्ट एक्ट करो, डोंट वेस्ट टाइम। हाँ 0-1 आउटपुट हो गया, ये क्या है पता है, कौन बताएगा ये क्या है, उस नोड का, ठीक है। और ये टोटल करो तो नीचे में जो परसेंटेजेस है वो 100 आएगा, इस नोड में 33% वैल्यूज है, इस नोड में 15.1% वैल्यूज है, और बीच वाला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, इस नोड में सारे लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का मीन, ठीक है, गॉट इट। सारा वेरिएबल्स F1 F2 हाँ उसका मीन, मतलब इसमें तुम्हारे 33.1% वैल्यूज है, उन सारे वैल्यूज का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, ये ना तुम लोग यहां से भी समझ सकता है गेस, इन्होंने देखो टाइप में इन लोग समझाता है, टाइप अपने डाले 5, स्प्लिट वेरिएबल नेम इन द इंटीरियर नोड्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इधर नहीं है, चलो 5 तुम लोग लिख लो अच्छे से, दैट According to the decision tree, F1 अगर 0 है, F2 अगर जो भी दिया हुआ है, the customer is not expected to fall. That's it. And you get the answer. Fast and up. Energy drink. Fast नहीं, fast का नाम है drink का fast and up. मेरे को वो नहीं भाता है, ORS ये सब नहीं भाता है. ग्लूकॉन्डी, ये सभी ग्लूकॉन्डी का ही टेस्ट है इसका, फर्स्ट टाइम हम पी रहे सेंटर में, तो इन लोग कुछ भी ला ला के, हम लोग ये सेंटर में पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं सब लोग, एक हर दिन तो किसी का बर्थडे, किसी का कुछ तो केक कटता है, कोई स्टूडेंट आता है वो केक ले आता है। अब तुम लोग एक बार प्लीज खुद से ट्राई करो, तो ये वाला 7th वाला थोड़ा खुद से बनाने का ट्राई करो भाई, लिखने का ट्राई करो, फंक्शन ऐसे मत करो एकदम भी,
तुमने एकदम गिवअप ही कर दिया ऐसा मेरे को लग रहा है। फाइव सेवन बी अब बोल रहे हैं लॉन्च करने के पहले प्रोडक्ट को एक्चुअली गैदर्स एक्चुअल कस्टमर डेटा फ्रॉम अनदर बैंक, जहां पे जो पब्लिक डोमेन में, वो इतना भी क्लियरली बोल दिया कि भाई पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था, हमने चोरी नहीं किया डेटा, टू असेस द प्रिडिक्टिव पावर ऑफ द मॉडल। तो ये अपना CS2B फाइल में है, इसको अपने ले लेंगे, इसमें 100 लोगों का डेटा है अपने पास। बिफोर आंसरिंग द रिमाइंडर क्वेश्चन लोड दिस फाइल एंड सेव इट इन एक्चुअल। क्या था शॉर्टकट? कंट्रोल शिफ्ट, तुम भूल जाते हैं शॉर्टकट हमेशा। रीड डॉट CSV, ओ इसमें हैशटैग के साथ आते हैं क्या? अभी बच के रहो भाई, अभी सबका तबीयत खराब हो रहा अच्छा है। शो द फर्स्ट 6 रोज, 2 मार्क क्या फ्री गिफ्ट एकदम। इसका 1 मार्क दिया है, ठीक है, इसका हाफ अ मार्क दिया है, और आउटपुट पेस्ट करने का हाफ अमाउंट दिया है, तो हम फ्री गिफ्ट है। भाई ये 7 ही तो था। द आर कोड फॉर जेनरेटिंग द प्रिडिक्टेड डिफॉल्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इन द एक्चुअल डेटा फ्रेम यूजिंग ट्री प्रिडिक्ट फंक्शन दिया हुआ है। मतलब अच्छा क्या बोल रहे हैं, पहले मॉडल डालो, ट्री मॉडल है, ये मॉडल अपने ट्री में डाले थे, फिर एक्चुअल जिसको प्रिडिक्ट करना है टाइप क्लास, तो 100 वैल्यूज है, 100 वैल्यूज का प्रिडिक्शन आ जाएगा, प्रिडिक्शन भी है एक्चुअल भी है, फिर कंपेयर करने बोलेगा, करो इसको, ये दोनों पार्ट खुद से करो। तो ठीक है, कैमरा कौन ऑफ कर दिया इसमें? जेनरेट प्रिडिक्टेड डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन ऑफ 100 कस्टमर्स असाइनिंग प्रिडिक्शन टू अ वेक्टर प्रिडिक्ट डिफॉल्ट एंड जेनरेट द फर्स्ट 6 वैल्यूज। तो अच्छा चेक करूं क्या आया है, ये एज अ फैक्टर फैक्टर आया है, एज अ फैक्टर आया है 0101। बाप रे, तो सबको डिफॉल्ट करा दे रहे, बेकार मॉडल है। जेनरेट अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑफ एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड एंड डिस्प्ले द मैट्रिक्स, कैसे, कौन सा फंक्शन? टेबल फंक्शन करूं? टेबल फंक्शन में याद है हम लोग इधर क्या डालते थे, इधर रोज में एक्चुअल डालते थे कि प्रिडिक्टेड, इधर एक्चुअल और इधर प्रिडिक्टेड, तो पहले एक्चुअल लिखो।
dollar default comma इसको डाल दो confusion matrix confusion matrix ठीक है मैंने हाँ 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 ये उल्टा आता है ना इसमें अपने इसको ठीक करते हैं फिर हाँ ठीक है वो ठीक है तो तुम पहले क्या लिखा है तेरा तुम अपडेट किया यार को भी आजकल में क्या लॉजिक है भाई तो वो जब ये डाल रहे तो उल्टा आ रहा है एक काम कर बेस्ट बोले इसमें काउंट करते हैं अपने सम ऑफ प्रेडिक्ट अरे ओ फैक्टर्स का सम नहीं होता है क्या पर अच्छा वन फिफ्टी आ रहा है मैंने 150 डिफॉल्ट है प्रिडिक्शंस में तो अपना ये प्रिडिक्शंस है गलत है क्या क्या किया भाई तुम लोग का कितना आया किसमें प्रेडिक्ट डिफॉल्ट में देखो यही तो है मेरा तो सही है तुम लोग क्या रन के इसको एज न्यूमेरिक को ओ इन लोग क्या किया बताए हम लोग भूल जाते हैं ना बेसिक क्लास इन लोग जीरो को वन असाइन कर दिया और टू वन को टू असाइन कर दिया है एज डॉट न्यूमेरिक नहीं एज डॉट बाप रे बाप तो फिर एक काम करो सम ऑफ एक्चुअल डॉलर डिफॉल्ट ले लेते हैं बट 20 है तो समझ आ जाएगा माने ये आपका एक्चुअल 20 आ रहा है सही है एक्चुअल में 20 डिफॉल्ट हुए एंड प्रिडिक्टेड में 50 डिफॉल्ट हुए हैं उसका अपडेट हो गया यार या तो बहुत पुराना है तुम्हारा होगा इसीलिए हो रहा होगा हाँ पर 2020 का वन का पेपर में भी तो पुराना ही होना चाहिए ना बट उससे नहीं होता एक सेकेंड रुक जाओ इतना झमेला मत करो प्लीज झमेला मत करो रुक जाओ एक सेकेंड टेबल सही है नेक्स्ट बस हो गया अब तुम लोग प्लीज कर लो क्लास डिटरमाइन यूजिंग आर कोड हाँ रुक जाओ हम देख रहे हैं डिटरमाइन यूजिंग आर द वैल्यूज ऑफ द प्रिसिशन एंड रिकॉल परसेंटेजेस फॉर द डिसीजन ट्री वेयर द ट्रू पॉजिटिव इज डिफाइंड एज द केस वेयर मॉडल प्रिडिक्ट्स अ डिफॉल्ट फॉर अ कस्टमर दैट हैज एक्चुअली डिफॉल्टेड
मैंने ट्रू पॉजिटिव इन लोग किसको डिफाइन किए हैं? ट्रू पॉजिटिव बोल रहे हैं कि जो डिफॉल्ट है, जब जो एक्चुअल में डिफॉल्ट है उसको अपने भी डिफॉल्ट, मतलब वन को इन लोग ट्रू पॉजिटिव लिया है। जैसे अपने केस में अगर हम लोग देखें तो अपने क्या लिखते हैं, इसको अपने पॉजिटिव्स लेते हैं ना, जीरो को, पहले वाले रो को, बट ये वाला ट्रू पॉजिटिव है। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको सही तरीके से मतलब बनाना है, अगर तुम लोग को बनाना है तुम लोग इसको उल्टा कर सकते हो, बट आई थिंक इट्स फाइन अगर हम लोग ऐसे रख के करें, इसको ट्रू पॉजिटिव, इसको ट्रू पॉजिटिव लिखेंगे बेसिकली, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रिडिक्ट, एक्चुअल है जीरो, आपने प्रिडिक्ट किया है जीरो, ये ट्रू नेगेटिव हो जाएगा, ये ट्रू पॉजिटिव है, ये ट्रू नेगेटिव है, और ये है आपका फॉल्स नेगेटिव, आई फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि जीरो इज नेगेटिव एंड वन इज गलत, क्यों है, सही है, सही है। चलो एक्चुअली जब हम लोग डिसीजन ट्री, हम लोग जब आई थिंक आरओसी फंक्शन या कुछ रन करते हैं तो उसमें अपने आप आता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो वहां पे पॉजिटिव इक्वल्स लिख देते हैं कि पॉजिटिव क्लास कौन सा है, मेरे को वो फंक्शन का नाम नहीं याद आ रहा है, शायद आरओसी या कुछ होता है, तो उसमें तुम डायरेक्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो उसके लिए कोई और वो चाहिए होता है हम लोग को, हाँ एक बार चेक करते हैं, तो उसमें तुम डायरेक्टली लिख देते पॉजिटिव क्लासेस वन, नहीं है उसका मेरे को पैकेज एकदम याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो है मैंने, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अरे अभी रुको ना, कोई दिक्कत नहीं है, वन जैसे भी आ रहे, बस दो इसको लैपटॉप करो पहले इसको। अब मैं कोई बात बताओ, अब एक बात बोलो कि रिकॉल का डेफिनेशन क्या था, प्रेसिशन का डेफिनेशन क्या था, शो पॉजिटिव बाय ये प्रेसिशन है, तो ट्रू पॉजिटिव अपने केस में कौन सा हुआ, ट्रू पॉजिटिव ये 20 हुआ, पॉजिटिव देखो ना क्या डिफाइन किया, ट्रू पॉजिटिव इज वेर यू सो 2,2 डिवाइडेड बाय, प्लस फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव मतलब हमने क्लासिफाई किया है पॉजिटिव बट वो फॉल्स है, मतलब ये वाला है ना 1,2 0.4 ये एक्चुअल है, ये प्रेडिक्टेड है। रिकॉल का डेफिनेशन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव मतलब हमने नेगेटिव बोला है बट एक्चुअल में पॉजिटिव था 2,1 100%। ठीक है नेक्स्ट करें, तुम तो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं ना, अगर उल्टा भी आया कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो सेम आएगा, क्यों गलत लिख रहा है तुम, इसको क्यों गलत लिख रहा है तुम, इसको अपने अकॉर्डिंग लिखो, तुम्हारे नंबर्स थोड़ी गलत है, 1,1 में 30 तो है, है?
जीरो जीरो में 30 आ रहा है, 0-1 में 50 आ रहा है, पक वही तो कॉलम और रो में चेंज हो गया है। कॉलम और रो तुम एक बार एक काम करो, इसको उसका हेड चेक कर दो, प्रेडिक्ट डिफॉल्ट का हेड एक बार हेड चेक करो, 0-1 इसीलिए नहीं गलत है उसका, उसका प्रेडिक्ट डिफॉल्ट गलत है। अब तुम्हारा पता है प्रेडिक्ट डिफॉल्ट गलत है उसका। एक बात बोले तुम क्या किया है, तुम ऊपर ही तुम डिसीजन ट्री गलत बनाया, तुम 1-0 गलत कर दिया इधर, ये वाला पार्ट तुम गलत किया, ये वाला पार्ट, ये चेक करो, ये गलत किया, ये डिफॉल्ट जाके देखो। देखा एरर पता लगाने का तरीका, निंजा टेक्निक। मेरा 2 घंटा फोन ऑफ रहता है। चलो बोलो, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द रिकॉल परसेंटेज फॉर द 100 कस्टमर्स, बैंक्स फाइनेंस डायरेक्टर concludes that the decision tree model needs no further refinement and can be used to determine which loan application. अच्छा एक बैंक के लिए, चलो इसी में डिस्कस करते हैं, कमेंट ऑन द कंक्लूजन। कंक्लूजन ये बोल रहे हैं कि भाई ये एकदम सही है, कोई जरूरत नहीं है मॉडल चेंज करने का, अपने इसी मॉडल को यूज करेंगे फॉर टू अप्रूविंग लोन एप्लीकेशन। व्हाट डू यू वॉन्ट, मैंने क्या बोला था, देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, आप दोनों में से किसी एक को ही रिड्यूस कर सकते हो। फॉर अ बैंक्स पर्सपेक्टिव, फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स नेगेटिव? फॉल्स नेगेटिव इज इसमें से कौन सा, आप लोग प्रिडिक्ट किए हो फॉल्स नेगेटिव, आप लोग प्रिडिक्ट किए हो वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, बट एक्चुअल में वो डिफॉल्ट कर रहा है, सोच के बोलना हमेशा, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव इज हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो डिफॉल्ट करेगा, बट वो डिफॉल्ट नहीं, सॉरी, हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे डिफॉल्ट नहीं करेगा, 0, बट वो कर रहा है ना। तो ये हम लोग के लिए फॉर अ बैंक, ध्यान से सुनो, अभी रुक जाओ, 0-0 मत बोलो। फॉर अ बैंक इज इट गुड और बैड, यू आर प्रिडिक्टिंग कि वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, मतलब आप उसको लोन दे रहे हो, बट आगे जाके वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो बैंक के लिए वो गंदा है, बैड डेट। तो ये मिनिमाइज करना ही है। दूसरा है आपका फॉल्स पॉजिटिव, मतलब आपने बोला कि भाई वो डिफॉल्ट करेगा, बट एक्चुअल में नहीं किया। अब क्योंकि आपने प्रिडिक्ट किया है कि वो डिफॉल्ट करेगा, तो आप उसको लोन नहीं देंगे, और फ्यूचर में जाके करे नहीं करे हमें मतलब नहीं, बट आपने उसको, यू प्लेड सेफ। तो इन मैंने क्या बोला, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू। तो आपको किसको यहाँ पे मिनिमाइज करना है, इसको या इसको? इसको इसको मिनिमाइज करने का मतलब आपको रिकॉल को मैक्सिमाइज करना है, जो कि यहाँ 100% आ रहा है, विच इज एक्सट्रीमली गुड। सो इसीलिए वी कैन मूव अहेड विद दिस मॉडल। अब इसका शॉर्टकमिंग्स बताओ, ये आपका हो गया पॉजिटिव, अब शॉर्टकमिंग्स क्या हो सकते हैं? वेरी गुड, इसके वजह से हम लोग को 30 कस्टमर्स का बिजनेस का लॉस हो गया। भाई ये 30 कस्टमर्स आगे जाके डिफॉल्ट नहीं करने वाले थे। अब जब क्या होता है, ये सेम चीज तुम लोग समझो, तो तुम लोग देखना, किसी किसी लोगों के पास बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड और इनका कॉल आता है, कुछ लोगों के पास नहीं आता। क्यों होता है ये चीज? ऑब्वियसली उनके पास फीडन है ना, कि इतना कन्वर्जन, आई एम अ सपोज बैंक का कस्टमर, तो मेरा इतना अकाउंट में इतना पैसा है, इतने कार्ड ऑलरेडी है, जो भी उसने निकाल दिया डेटा। अब बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेरा चांसेस ऑफ कन्वर्जन इज 70%, सो आई दे शुड कॉल मी। अब उनका जो सेल्स फोर्स है वो बहुत लिमिटेड है, मे बी 10 लोग को बिठाया उन्होंने सबको कॉल करने, तो लिमिटेड है, एक जन करेंगे 100 कॉल एवरी डे, लेट अस सपोज। अब 100 कॉल कर रहे हैं, तो 100 में से ऐसे लोगों को कॉल करेंगे जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होगा, है ना कि जिनका कम है। सेम यहाँ अप्लाई हो रहा है इस केस में। अब
30 लोगों को हम लोग पैसा देते तो हम लोग को इनका इंटरेस्ट मिलता, हमारा गेन होता. बट क्योंकि हमने प्रिडिक्ट किया डिफॉल्ट, तो हमने, तो इससे हमारा बिजनेस का लॉस हो रहा है, दे आर मे बी टेकिंग लोन फ्रॉम सम अदर बैंक. ठीक है, वेरी गुड. और अगर हम लोग इसमें एक्यूरेसी भी निकाले 20+50, 70/100, 70%, बट यू कैन नॉट कंपेयर. जरूरी नहीं हमेशा एक्यूरेसी 90 के ऊपर मिले. वेरी गुड. तुम्हारा जो टेस्ट डेटा है वो खाली 100 लोगों का है, पब्लिक फोरम पे है, सो यू आर नॉट श्योर कि वो डेटा कितना ऑथेंटिक है. इवन इफ इट्स फ्रॉम द बैंक, अनदर बैंक, यू डोंट नो दैट दे हैव रिलीज्ड एन ऑथेंटिक डेटा और नॉट, बिकॉज इट्स नॉट योर डेटा एंड काफी लो डेटा है एंड हो सकता है काफी पुराना डेटा है. ठीक है, तो ये पूरा अपना उसमें आ जाएगा. कितने मार्क्स का ये? 6 मार्क का है. तो ऐसे ही तुम लोग को उसको बढ़ा, मतलब जितना पॉइंट है उसमें डालो. पहले सारा अच्छा पॉजिटिव लिख दो, फिर सारा. अब हम लोग कुछ और मॉडल भी यूज कर सकते थे या 2-3 और अलग मॉडल्स भी बना सकते थे एंड देन कंपेयर कर सकते थे एक्यूरेसी एंड उसको प्रोसीड अहेड करते, नॉट जस्ट मूविंग अहेड विद वन बेसिक मॉडल. ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस डिसीजन ट्री को बैंक डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट भी कर सकते थे. उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक्चुअल डेटा नहीं है, दैट इज अ ट्रेनिंग डेटा. तो आपने खुद से बनाया ना डेटा. डेटा अगर पहले से दिया हुआ होता तब तुम कंपेयर करती, बट डेटा तो तुमने खुद से बनाया है. डेटा दिया हुआ होता फिर तुम ट्रेनिंग टेस्टिंग बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कर सकते थे. गॉट इट? अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकले. अब इसको एक बार रीड कर लो. चलो देखो इन लोग क्या पॉइंट्स लिखा है. देखो इन लोग भी इतना सारा पॉइंट्स लिखा है. रिकॉल एक्सप्लेन किया, प्रिसिजन एक्सप्लेन किया, इसी का मिल जाएगा हाफ अ मार्क. The model has predicted far more defaults than the actual. Model ने 50 defaults predict किया है, I guess. हाँ, but actual में 20 defaults ही हैं. Commercially not optimized. नहीं. इन्होंने बोला है टोटल डिफॉल्ट 50 है और ये वाला आपका 20, तो फार मोर डिफॉल्ट प्रेडिक्ट किया तुमने. 30 से बाद में 30 के ऊपर बात किया कि आउट ऑफ विच 30 डिड नॉट डिफॉल्ट. ये वाला पॉइंट हम लोग ने मिस कर दिया कि हम लोग एबीसी को रिफाइन कर सकते थे टू गेट, एंड वो कैसे होता, ए को नेगेटिव बना के. तो अगर मेरे ख्याल से जब भी पॉइंट्स नहीं मिले, जैसा कल मैंने बोला, यू कैन गो बैक एंड रीड द क्वेश्चन अगेन, उससे पक्का एक दो पॉइंट और निकलेगा. तो जब रीड करते तो एबीसी भी निकलता ही, तो उस पर लिख सकते थे एक दो पॉइंट, एक मार्क मिल जाएगा इसका. ठीक है, आई फील हमने सबने नाइस बेस से कंपेयर कर सकते हैं. ओके, तो यहीं तक करते हैं. देख लो, क्लियर?